अगर आपका एटीएम कार्ड घूम गया या फिर अगर आपको नए एटीएम कार्ड इशू कराना है ब्लॉक करने के बाद, तो किस तरीके से आप ये कर सकते हैं बिना किसी ऐप का यूज़ किए। एकदम सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स हैं आज के वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल ये वीडियो रहेगा। बिना किसी ऐप के आप अपने एटीएम को ब्लॉक भी करा सकते हैं और वापस से नया कार्ड इशू भी करा सकते हैं। कई बार ऐसा केस रहता है कि हम ऐप के थ्रू ब्लॉक नहीं कर सकते एटीएम या फिर नया इशू नहीं कर सकते, तो कौन से सिंपल स्टेप है जैसे आप ये नॉर्मल कीपैड वाले फोन से भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ कुछ डिटेल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना नॉमिनी नेम पता रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पता रहना चाहिए जो कि बेसिक चीज़ है, और उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड नंबर पता रहना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन चीज़ है तो आप इजीली ब्लॉक करा सकते हो। सिंपल आपको नंबर डायल करना है। किस तरीके से करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पे। जैसे आप गूगल में आएंगे, कोई सा भी बैंक हो, जैसे कि आप अगर आप SBI यूज़ कर रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी XYZ बैंक आप यूज़ कर रहे हो, सिंपल आपको आना है गूगल पे और सर्च करना है जो भी बैंक का नाम है। जैसे मैं लिखता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्ट कंज्यूमर केयर नंबर। ओके, इस तरीके से आपको सर्च करना है। जैसे कि अगर आपका SBI है तो यहाँ पे आप SBI भी लिख सकते हो, जो भी बैंक है आपका, सिंपल एंटर करना है। उसके बाद सबसे शुरू में ही पहले के दो तीन रिजल्ट में ही आपको मिल जाएगा नंबर। ये देखो, ये टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल लगाना है। कॉल करने के बाद आपको पूछेगा सबसे पहले जो बेसिक रहता है, हिंदी के लिए एक दवा, इंग्लिश के लिए एक दवा, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करिए। उसके बाद जैसे आप 1 दबाएंगे, उसके बाद लास्ट लास्ट में रहता है कस्टमर केयर से बात करने के लिए या फिर ग्राहक सेवा से संपर्क करने के लिए 9 9 डायल करें या फिर 8 डायल करें। सिंपल आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको समझाना है कि मेरा जो ATM कार्ड है वो घूम चुका है, कब घुमा, कैसे घुमा, वो सब बहुत रेयरली पूछते हैं। उसके बाद आपको बोलना है कि मेरे को ब्लॉक करा के नया इशू कराना है। तो सिंपल ब्लॉक करने से पहले वो आपसे नॉमिनी नेम पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, कई कई बार डेट ऑफ बर्थ भी पूछते हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड अपना बताना है। आधार कार्ड जैसे ही बताएंगे उसके बाद ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको बोलना है कि आप इशू भी कर दीजिए मेरा न्यू ATM कार्ड। कुछ चार्जेस इसमें कटते हैं, जैसे कि मेरे को अराउंड 250 रुपीज के आसपास कटा था। उसके बाद आपका जो नया कार्ड है वो इशू हो जाएगा। तो इस सिंपल स्टेप से आप इजली कार्ड को ब्लॉक प्लस इशू करा सकते हो। सिंपल ये स्टेप्स आपको फॉलो करने, आप नॉर्मल कीपैड फोन में भी कर सकते हो बिना किसी ऐप के। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। शॉर्ट एंड सिंपल एकदम क्विक वीडियो था, और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।